बहुत हो जाती है, यदि सही टाइम पर इलाज नहीं मिला तो हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ गांव ब्रजांसर में देश के लिए, और ये है डालाराम जी सियाग। इनके घर में एक कोबरा सांप, इनका कहना है कोबरा सांप है, और ये रात का घर के अंदर है। इनके सांपों के प्रति ये दरिया दिली है कि इन्होंने सांप को मारा नहीं, और रात से अब तक मुझे कॉल किया और वेट किया अब तक। चलो सांप देखते हैं कौन सा। ये है इनका कमरा, इसके भीतर सांप है। ऊपर 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 इसके भीतर बताया जा रहा है कि कोबरा सांप है। इधर जो है कोबरा स्नेक है, दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट रुको, ये है बहुत बड़ा कोबरा स्नेक। ये बेड के नीचे छिपा हुआ है। ये है कोबरा स्नेक, जो बहुत बड़ा सांप है, भारत का दूसरा सबसे जहरीला सांप, बहुत ही आक्रामक सांप है ये। यह है भारत का दूसरा स्पेक्टिकल कोबरा नाग है। यह भारत का दूसरा बरदान सरगाओं में हेलो दोस्तों, ये है स्पेक्टिकल कोबरा, भारत का दूसरा सबसे जहरीला सांप, और इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, और इसके काटने के बाद 45 से 50 मिनट के बाद इंसान की मौत हो जाती है, यदि सही टाइम पर इलाज नहीं मिला तो। बहुत ही आक्रामक सांप है ये, बेहद फुर्तीला, और यदि किसी को काट ले, किसी को बाइट कर ले तो उसकी मौत निश्चित है, यदि इलाज नहीं मिला तो। इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम जहर पाया जाता है, बहुत ही खूंखार था भाई। वो बाजे क्यों बोली? बहुत ही आत्म सांप है ये। अंतर गांव के अंदर है डालाराम जी सियाग के घर पर, और रात का अंदर है मकान के, इन्होंने इसको मारा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो यार भाई ये सुना भाई, तो वो लगता है पता नहीं कौन ले पाएगा। मत क्यों करो, मजाक करो।
तो कभी भी हो सकता है। मेरी तरह आपको कोशिश नहीं करें, मुझे पूरी ब्रेक नहीं करना। इसके वेनम के दांत, इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। ये जब गुस्से में होता है तो अपने आप को भी काट सकता है। लिया पर डब्बो डब्बो आगे पड़ो 5-6 किला को शाम को रेस के ऊपर। बहुत बड़ी हिम्मत है भाई इनकी, भगवान ने कोई वरदान ही दे रखा है। तो वो डिब्बा छोटा था इसलिए हमने उसे बाहर निकाल कर अब एक बड़ा डिब्बा लिया है, उसके अंदर ही सांप को डालेंगे ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। डिब्बे के अंदर हम होल निकालते हैं ताकि सांप को ऑक्सीजन लेने में कोई तकलीफ ना हो। सांप को पकड़ने का कोई भी मंत्र नहीं चला है, न ही सांप पकड़ने का कोई मंत्र होता है। इसको एक ट्रेनिंग के माध्यम से पकड़ा जाता है, पढ़ाई होती है सांपों की जिससे इनके लक्षणों के बारे में पता चलता है। किसी भी प्रकार का कोई मंत्र नहीं है जिससे सांपों को पकड़ा जा सके। तो हेलो दोस्तों, इसको करते हैं हम डिब्बे में पैक।